एक्टर बख्तावर खान, क्या आपने त्रिदेव और विश्वात्मा फिल्म देखी है? यदि हाँ तो आपको सोनम उर्फ बख्तावर खान जरूर याद होगी। जी हाँ, वही 90 के दशक में बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर प्रसिद्ध हुई सोनम। दरअसल सोनम का असली नाम बख्तावर खान है। महज 14 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाली सोनम की प्रसिद्धि इतनी थी कि 90 के दशक में प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए उनके घर के चक्कर काटते थे। हालांकि इतना बेहतरीन करियर होने के बावजूद सोनम ने 25 फिल्मों में काम करने के बाद अचानक ही इंडस्ट्री को छोड़ दिया। सोनम ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्हें अपने करियर के पीक पर गुमनाम होना पड़ा? आइए जानते हैं। इसी के साथ ही हम उनके पति के बारे में भी बताने वाले हैं। सोनम उर्फ बख्तावर खान का जन्म 1972 में हुआ था। साल 1988 में आई फिल्म विजय उनके करियर की शुरुआत थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई और सोनम रातों रात सुपरस्टार बन गई। इस फिल्म में सोनम ने जबरदस्त किसिंग सीन दिए और इसी के बाद से उनकी गिनती बोल्ड एक्ट्रेस में होने लगी। सोनम सच में उस दौर की सबसे लकी एक्ट्रेस थी जिनकी पहली ही फिल्म ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। हालांकि सोनम को असली पहचान विजय और त्रिदेव जैसी फिल्मों में मिली। इतना ही नहीं, त्रिदेव के सुपरहिट होने के बाद से हर कोई सोनम को ओए ओए गर्ल के नाम से जाने लगा। जी हाँ, उस दौर में सोनम का क्रेज इस कदर था कि त्रिदेव की रिलीज के एक साल बाद आई फिल्म मिट्टी और सोना में किसी ने चंकी पांडे को नोटिस तक नहीं किया। हर कोई अपनी नजरें सोनम पर टिकाए बैठा था। बता दें कि इस फिल्म में सोनम ने जबरदस्त बोल्ड सीन्स दिए थे। बता दें कि 90 के दशक में बोल्ड सीन्स देना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी। यही कारण है कि फिल्म मिट्टी और सोना ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। यदि उन दिनों के लोगों से इस फिल्म के बारे में बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उस दौर में लोग इस फिल्म की टिकट खरीदने के लिए घंटों लाइन लगाकर बैठा रहा करते थे। टिकट मिलते ही वो सिनेमा घरों के अंदर चले जाते थे और जैसे ही सोनम के बोल्ड सीन्स खत्म हो जाते थे वो थिएटर छोड़कर बाहर चले आते थे। इतनी प्रसिद्ध होने के बावजूद सोनम ने ये इंडस्ट्री छोड़ दी। जी हाँ, सोनम ने शादी के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया। बाद में अंडरवर्ल्ड से लगातार मिल रही जान से मारने की धमकी की वजह से सोनम और उनके पति ने भारत छोड़ दिया और विदेश जाकर बस गए। हालांकि शादी के 25 साल बाद सोनम ने अपने पति से अलग होने का फैसला लिया। साल 2016 में सोनम ने राजीव राय से तलाक ले लिया और फिर पांडुचेरी में रहने वाले डॉक्टर मुरली पोडुवल से एक बार फिर से शादी कर ली। बता दे कि सोनम अब लाइमलाइट से दूर अपनी जिंदगी जी रही हैं और अब ऐसी दिखती हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।